जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। भारी बरसात के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है तो कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे ही हालात हैं आम लोगों की सुनवाई करने वाले कलेक्ट्रेट के। दरअसल भारी बरसात के बाद कलेक्ट्रेट के हाल सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर बरसात के बाद जगह जगह पानी के तालाब बने हुए हैं तो नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। वहीं टूटी सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बाड़मेर में पिछले चार दिनों से चल रहे बारिश के दौर से एक और जहां जलभराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो कई स्थानों से नुकसान की सूचनाएं भी आ रही हैं। बारिश के इस दौर से पूरे जिले में हालात खराब हो गए हैं। भारी बारिश से कई स्थानों पर जलभराव हो गया है तो कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बरसात के बाद जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के हाल सबसे ज्यादा खराब हैं। आम लोगों की पीड़ा सुनकर उनका समाधान करने वाले कलेक्ट्रेट की कोई सुनता नजर नहीं आ रहा। हालात ये हैं कि पूरे कलेक्ट्रेट में जगह जगह पानी के तलैया बन गए हैं तो सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट, अधिवक्ता चैंबर्स के आगे, कोर्ट परिसर के बाहर, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने, जिला परिषद कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के आगे पानी के तलैया पर कीचड़ पसरा होने से यहां आने वाले लोगों के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हैं। वहीं सड़कों पर गड्ढे होने से हादसे की आशंकाएं भी बन रही हैं। यहां आए लोग भी कलेक्ट्रेट में बने इन हालातों पर नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। रियासी एरिया है, कलेक्टर बंगला और आसपास के जितने में लक्ष्मीपुरा वगैरह से लगा के राय कॉलोनी वगैरह का जो सबसे ज़्यादा पॉश एरिया है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गंदगी जो मची हुई है, सबसे ज़्यादा जो खराब हालत खराब है ना, वो यहाँ की हो रही है। अगर किसी ने अपने जान पे जोखिम अगर है उठा सकता है तब तो वो बरसात के टाइम में यहाँ पर आवे तो वो यहाँ पे देखे वो आगे स्विमिंग पूल जैसा पूरा की पूरी कंडीशन बनी हुई है। बारिश के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत है, सफाई होती नहीं प्रॉपर तरीके से। जो कचरा है नालियों में प्लास्टिक वगैरह से भरा पड़ा है, नाले जितने जो हो रहे हैं वो सब के सब जाम हुए पड़े हैं, तो बेचारा पानी आएगा निकलेगा कहाँ से। कलेक्ट्रेट की क्या हाल है? कलेक्ट्रेट की सबसे ज्यादा बुरी हालत जो है ना वो जो है ना कलेक्टर परिसर की, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पानी भराव जो है उराना किस टाइम भाड़े में, सबसे ज्यादा कलेक्टर यहाँ पे इस जगह देखने को बलदेव नगर या फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सामने वाला अधिकारी हो यहाँ पे बैठने वाले उनको संभालने वाला कोई नहीं, तो फिर दूसरे को संभालने वाला कौन होगा? वो तो रामपुर से होगा। यहाँ तो चलो फिर भी अधिकारियों का एक रहता है, थोड़ा डर रहता है, इस वजह थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी का तो भगवानपुर से। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए खर्च कर यहाँ बनाए गए बरसाती नाले भी पूरी तरह से फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। वहीं समय रहते अब यहाँ पानी निकासी के प्रबंध नहीं किए गए और आगामी दिनों में और बरसात हो गई तो हालात और अधिक विकट हो जाएंगे।